जब हम लोग ने यहाँ पर 2001 में ये सेंटर खोला था, उसके कुछ समय बाद कुछ महिलाएं इस महिला को लेके आई जो खड़ी नहीं हो सकती थी। ये जो रिक्शा नहीं होता जिसमें सामान ढोते हैं, वो रिक्शे में इसको बिठाकर लेकर आए थे और अपने कमर के बल बैठ के ही चलती थी। फिर सबने बोला कि मैडम आप इनको ऐसा कर दो कि थोड़ा ये सही हो जाए, चलने फिरने लगे, इतना करवा दो। हमने फिर अपनी ये कोशिश शुरू कर दी। हमने बत्रा हॉस्पिटल में ले जाके इसका चेकअप करवाया। उन्होंने एक बहुत प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए एक बहुत लंबा अमाउंट हमें बताया। मतलब फ्री ऑपरेशन हम फ्री कर देंगे लेकिन मेडिसिन का पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर कुछ संस्था वालों ने मदद करी, कुछ हम लोगों ने चंदा करा गलियों में दुकान वालों से, भाई 5 रुपये दिए, किसी ने 10 रुपये दिए, ऐसे करके इसकी मदद करके और इसका ऑपरेशन करवाया। पहली बार तो ऐसे ही महसूस हुआ कि आज मेरी नई जिंदगी हुई है, कि दुनिया में लग रहा कि मैं पहली बार चल रही हूँ। ऐसा लग रहा था जब 6 साल बाद मैं उठ के खड़ी हुई थी, 6 साल बैठे बैठे चली। जब ये चलने फिरने लगी तो इसने फैक्ट्री में काम शुरू किया। और इसका बेटा है जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, अब वो कहती है मैं अब खुश हूँ, अब इतना तो है कि मुझे कि अब मैं अपने आदमी को निर्भर नहीं हूँ, अब खुद कमा कर पेट भर सकती हूँ। सेंटर के बारे में पूछते पूछते पता चला 1 साल ऐसी बीत गई। जब ये मेरे पास आई तो ये अकेली ही ढूंढती हुई CICs में पहुंची थी कि मुझे केस करना है, मुझे कहीं कुछ बताओ। अपने आस पड़ोस वालों से पूछते थे, फिर किसी ने एड्रेस दिया था किसी लेडीज ने, जाने का मैंने पता करा यहाँ पे क्या होता है कैसे होता है, तो बोला था सब कुछ फ्री में होता है। शबनम के तलाक के बाद में कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी, घर का सपोर्ट नहीं मिला, तो उस समय शबनम कई बार हमारे पास आके इस बात को कहती थी कि मैडम मैं खुद भी मर जाऊंगी और इस बच्चे को भी मार दूंगी। एक जो उसके अंदर एक हौसला था या उसके अंदर जो ये हालात को देख के एक जीने की इच्छा जो थी वो ख़त्म हो रही थी, उस इच्छा को हम लोगों ने कोशिश करी कि उसको हम लोग फिर से उसको जगाएं। और वही आज शबनम है कि आज वो अपनी मदर से ज़्यादा CICs के ऊपर विश्वास करती है, CICs के हर मेंबर के ऊपर विश्वास करती है। उनके यहाँ के मेंबर बन चुके हैं, मैं इसलिए आती रहती हूँ जब भी बुलाते हैं। तो आगे भी सोच यही है कि कमलेश मैडम जब भी बुलाएंगी तो मैं आऊँगी। अब अगर उसका भाई उसको मारने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि अब की बार अगर तुमने मेरी पिटाई करी तो मैं तुम्हें थाने पहुँचा दूँगी। तो ये चीज़ है कि शबनम में आज अपना एक आत्मविश्वास जागा है। अच्छा लगता है, पहले मैं डरती थी घर से निकलने में, झिझक होती थी, अब किसी बात का कोई डर नहीं लगता, कहीं भी चले जाते हैं। बहुत खुश है, बच्चा भी खुश है और माँ भी खुश है, दोनों ही खुश हैं क्योंकि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लिख रहा है, तो माँ को भी खुश है और माँ भी फ्री हो गई क्योंकि वो भी अब 2 पैसे काम कर रही है। कल और छुट्टी दे दूंगी ना मैं, फिर कल पतंग उड़ाना, ठीक है? खुश मगर देनी पड़ेगी। हाँ खुश हो? हाँ ठीक है, बस 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 इतना प्यार बहुत है बस। कुछ ऐसे जख्म होते हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन शबनम क्योंकि हर प्रोग्राम में हमारे आके खुश होती है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर आके आने के बाद में मैं कुछ सीख के जाती हूँ, तो जो एक बाहरी रूप में होना चाहिए कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं पे सामने वाले के सामने टूटा हुआ नहीं दिखा पाए, वो उस लड़की में हमें नज़र आता है। लेकिन शायद उसके जो जख्म हैं पहले के, उनमें हम धीरे धीरे और मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार,
तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इतना सा ही है संसार, इतना सा ही है संसार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इतना सा ही है संसार, इतना सा ही है संसार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया कितना बड़ा है ये संसार। बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार, तभी समझ में मेरे आया कितना बड़ा है ये संसार। बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा संसार, तभी समझ में मेरे आया कितना बड़ा है ये संसार, तभी समझ में।